आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है, उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर है, ये है नामी गिरामी। ये 1973 की मार्च का कोई दिन था। गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल के घर तक नारों की आवाज पहुंच रही थी। बाहर आंदोलनकारियों की भीड़ जमा थी, जो करप्शन के आरोपों पर उनका इस्तीफा तुरंत मांग रहे थे। नारों की ये गूंज गांधीनगर ही नहीं, दिल्ली तक पहुंची। नतीजतन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गुजरात की कांग्रेस सरकार से राजकाज वापस लेकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। आंदोलनकारी अब नई सरकार के लिए चुनाव चाहते थे, और आंदोलनकारियों की इस भीड़ का अगुवा था 77 साल का एक बूढ़ा मगर कद्दावर नेता। वो नेता जो अभी हाल तक कांग्रेस के दिग्गजों में शुमार था, उसने ऐलान कर दिया कि जब तक नए चुनाव की घोषणा नहीं होती वो भूखा रहेगा। सूबे में पहले ही अपनी सरकार गंवा चुकी इंदिरा गांधी इस मांग के लिए कतई राजी नहीं थी। आंदोलन तेज होता गया, साथ ही तेज हो गया उस बूढ़े नेता की सेहत का गिरना। कई कांग्रेसी नेता भी अंदर ही अंदर इंदिरा की जिद से असहज होने लगे थे। इंदिरा के लिए भांप सकना मुश्किल नहीं था। आखिरकार चुनाव का ऐलान हुआ, अनशन टूटा, प्रदर्शन थमे, मगर ये तो महज शुरुआत थी इंदिरा के उस गढ़ के टूटने की जो अटूट नजर आता था। और गढ़ गिराने वालों का अगुवा था वही बुजुर्ग नेता जो पीएम पद की रेस में इंदिरा के हाथों बाहर होकर अब पलटवार के इंतजार में था। उनका नाम था मोरारजी देसाई। हम क्यों मांगे किसी के पास, हम हमारे पांव पर खड़े रहे और हमारी शक्ति से आगे बढ़े, तभी देश का गौरव बढ़ेगा और देश मजबूत होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं। नमस्कार, मेरा नाम नितिन ठाकुर है, और आज नामी गिरामी में कहानी देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की, जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। आजादी के बाद की भारतीय राजनीति के कई रंग हैं। इसमें नेहरू हैं, इंदिरा हैं, जेपी हैं, अटल हैं, लेकिन इन्हीं सबके बीच एक मोरारजी देसाई भी हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और मोरारजी देसाई के साथ आंदोलनों में जुड़े रहे प्रभात रॉय उनकी शख्सियत के बारे में बताते हैं। उनका कद तो पॉलिटिकल बहुत बड़ा था, कोई शक नहीं, लेकिन वो ही नेवर बीन ए वेरी पॉपुलर लीडर लाइक नेहरू, लाइक अदर लाल बहादुर शास्त्री, वो कभी इंदिरा गांधी, इनके जो समकालीन लोग हैं सभी, तो मेरा ख्याल है कभी उनको उस तरह का राजनीतिक कद नहीं मिल पाया एज ए पॉपुलर लीडर। ये उस दौर की बात है जब गुजरात बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। इसी प्रेसिडेंसी में एक शहर गोधरा में मोरारजी देसाई डिप्टी कलेक्टर थे। इस इलाके में कई महीनों से सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। गणेश चतुर्थी पास थी, हिंदू संगठनों का कहना था कि जुलूस निकालते वक्त अगर रास्ते में मस्जिद आएगी तो वो मजीरा बजाते हुए ही निकलेंगे। उधर मुस्लिम पक्ष इसके लिए तैयार नहीं था। माहौल खराब ना हो इसके लिए पुलिस भारी तादाद में तैनात हो गई। तय दिन जुलूस निकला, मस्जिद से थोड़ा आगे जुलूस पर हमला हो गया। खबर मिलते ही मोरारजी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्हें आदेश मिला कि अस्पताल जाकर घायलों के बयान दर्ज किए जाएं। उधर गुस्सा हिंदू संगठन आरोप लगा रहे थे कि डीएसपी अहमद ने दंगे भड़काए। इस आरोप से खफा डीएसपी ने हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अब यह मामला सुनवाई के लिए मोरारजी के पास पहुंचा। सबूत नहीं थे तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया। उस दिन के बाद मोरारजी कई लोगों की निगाहों में खटकने लगे। अब मोरारजी पर आरोप लगा कि उन्होंने दंगों की इन्वेस्टिगेशन को गलत दिशा में मोड़ा है। मोरारजी के खिलाफ ही जांच बैठ गई और आखिर में उन्हें दोषी करार दिया गया। कट्टर ईमानदार छवि के मोरारजी देसाई के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। आहत होकर उन्होंने कुछ महीनों बाद नौकरी ही छोड़ दी। 12 साल की सरकारी सर्विस का अंत करके वो देश की आजादी के आंदोलन में कूद पड़े, और यहां उनके लिए पहला पड़ाव बना गांधी की डांडी यात्रा। उस यात्रा के गवाह रहे मोरारजी देसाई के मन में बहुत कुछ बदलने लगा था। सीनियर जर्नलिस्ट के विक्रम राव बताते हैं। मोरारजी भाई ने खुद लिखा था एक किताब में
कि डिप्टी कलेक्टर तो उनका परिवार चाहता था, माता पिता तो चले गए पीसीएस में, बम्बई की पीसीएस में। लेकिन बाद में उन्हें जैसे ही पता चला कि गांधी जी की अपील है, सरकारी नौकरी छोड़ो, सब वापस आ जाओ, तो वो भी शामिल हो गए कांग्रेस पार्टी में और जेल गए, आंदोलन में गए। तो मोरारजी भाई का जहां तक भूमिका रही है वो राष्ट्रवादी रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत की कई प्रेसिडेंसीज में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। मोरारजी बाबू बंबई सरकार में राजस्व मंत्री बनाए गए। मंत्री बनते ही मोरारजी के सामने राजनीतिक संकट आने लगे। साल 1937 में कम बारिश होने से सूखा पड़ा था, जानवर तक घास के लिए तरस रहे थे। अहमदाबाद के लोगों ने मोरारजी से शिकायत की और कहा कि घास की जरूरत उनके जिले को ज्यादा है, मगर घास सौराष्ट्र को दी जा रही है जिसे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मोरारजी ने मदद का भरोसा दिया, लेकिन समस्या बड़ी थी। ये उनके अख्तियार में नहीं था कि घास किस जिले में कितनी बटे, लेकिन वो वादा कर चुके थे, सो कुछ तो करना था। मोरारजी ने किसी की परवाह किए बिना अहमदाबाद के कलेक्टर को फोन करके कहा कि सौराष्ट्र जा रही गाड़ी से घास उतार कर अहमदाबाद में बांट दी जाए। कलेक्टर ने आदेश मान तो लिया, लेकिन जब सौराष्ट्र जिले के कलेक्टर को सूचना मिली तो उसने बंबई के मुख्य सचिव से शिकायत कर दी। मोरारजी ने कानून का उल्लंघन किया था, लिहाजा वो तलब किए गए। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, लेकिन सपाट लहजे में कहा, मैं ये काम आगे भी करूंगा, आपको अगर ये गैर कानूनी लगता है तो मेरे खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन फैसला आते आते साल दो साल लग ही जाएंगे, और तब तक मैं कानून का उल्लंघन करके ऐसे ही घास को सूखे क्षेत्रों में बंटवाता रहूंगा। जवाब सुनकर सचिव हैरान था। मोरारजी फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। उसने पूछा, आप मुझे धमका रहे हैं क्या? मोरारजी ने दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ। ऐसे तेवर देखकर सचिव समझ गया कि बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बोला, तो आप ही बताइए, बिना कोर्ट जाए कौन सा उपाय निकाला जा सकता है? मोरारजी को इसी सवाल का इंतजार था। उन्होंने कहा, जहां भी सूखा पड़ा है वहां पर्याप्त घास भेजी जाए, ना एक बुरा ज्यादा ना एक बुरा कम, कानून इसके बीच में नहीं आएगा। सचिव के पास मोरारजी की बात मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था। अब हर सूखे क्षेत्र को घास मिल रहा था, लोग खुश थे, मोरारजी की तारीफ चारों तरफ थी। बंबई प्रेसिडेंसी में उनका राजनीतिक रसूख धीरे धीरे बढ़ने लगा, और फिर आजादी के बाद 1952 में वो दिन भी आया जब वो इसके मुख्यमंत्री बने। मोरारजी का कद राष्ट्रीय राजनीति में लगातार ऊंचा होता गया, लेकिन वो सूबे में ही जमे रहना चाहते थे। इसका एक बड़ा कारण था कि वो बंबई प्रेसिडेंसी से गुजरात को अलग नहीं होने देना चाहते थे। उन्हें डर था कि कोई और मुख्यमंत्री बना तो ऐसा हो भी सकता है। मोरारजी भाई महाराष्ट्र गुजरात के बंटवारे के पक्ष में कभी नहीं थे, क्योंकि जब वो अहमदाबाद जाते थे तो वहां के गुजराती उनके विरोध में जनता कर्फ्यू करते थे। मोरारजी भाई ने लिखा भी एक जगह कि यूपी अपने 85 एमपीस के दू के मार्फत भारत में हमेशा कब्जा रहेगा, कब्जा करता रहेगा। अगर यूपी का मुकाबला करना है तो गुजरात और महाराष्ट्र को एक राज्य रहना पड़ेगा, ताकि उनके करीब 75 एमपीस मुकाबला कर सके 85 एमपीस का। ये बिल्कुल जियो पोलिटिकल राजनीतिक और भौगोलिक प्रतिक्रिया थी मोरारजी भाई को। ये बहुत शराबबंदी के बड़े अड़ियल थी, अड़ियल। जबकि मुझे याद है जैसे ही इन्होंने प्रोहिबिशन पॉलिसी बंबई सरकार ने लागू की शराबबंदी की, उस वक्त तत्काल कोलाबा में जो सैनिक लोग थे, अफसर लोग थे, फौजी लोग, सारे सब लोगों ने शराब की बोतलें जमा कर ली कि कम से कम दो महीने तक तो ये आंदोलन चलेगा, और उनको मोरारजी की नीति के खिलाफ सारी फौज वाली एयरफोर्स नेवी आर्मी सब जुट गए, तो उनका पर्याप्त स्टॉक किया। उस वक्त निकिता क्रुश्चेव जो रूस का प्रधानमंत्री था वो भारत आ रहा था, और उसकी पूरी सोवियत टीम जिसमें 30-40 लोग थे, मोरारजी भाई मुख्यमंत्री थे। मोरारजी भाई ने कहा कि आप लोग विदेशी हैं, परमिट के लिए अप्लाई कर दीजिए, यहाँ दुकानों से आप शराब नहीं खरीदेंगे और ना आपको दिया जाएगा, और लेंगे तो दंडित होंगे। मतलब विदेशी दूतावास को भारत कानून लागू नहीं होता है, उस पर उनका कि आप शराब नहीं खरीदेंगे। निकिता क्रुश्चेव जानते थे, वो मॉस्को से ही वोडका की बोतलें भर भर के लाए थे, लेकिन इतना कठोर थे राजीव जी। और एक बात और, नेहरू ने एक बार एक डिनर दिया, उसमें लोगों को नॉनवेज खाना था, राजीव बहन का मैं नहीं आऊंगा, आप चाहते मैं आऊं तो न शराब मिलेगी न गोश्त मिलेगा। तब नेहरू को विवश होकर कहना पड़ा अतिथियों से, भाई यहाँ न गोश्त मिलेगा न शराब मिलेगी, तो हमारा कैबिनेट मंत्री है वो आ रहा है।
बंबई प्रेसिडेंसी का मुख्यमंत्री बनने के बाद मुरारजी की नजर अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थी। 1957 में वो कांग्रेस की टिकट पर सूरत से जीतकर संसद पहुंचे। 8 साल बाद जब नेहरू का देहांत हुआ तो कांग्रेस में उनके उत्तराधिकारी को लेकर खोज चली। मुरारजी सक्रिय हो गए। वो नेहरू के बाद सबसे सीनियर लीडर थे, लिहाजा खुद को पीएम पद का स्वाभाविक दावेदार मानते थे। उन्होंने जोर शोर से ताल ठोकी, लेकिन उनके हिस्से निराशा आनी थी। ज्यादातर कांग्रेसी लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थे। मुरारजी अपने सिवाय किसी और को पीएम नहीं देखना चाहते थे, लेकिन शास्त्री के मन में सुलह का एक रास्ता था। एक दिन शास्त्री ने पत्रकार कुलदीप नैयर को बुलाकर कहा, आप मुरारजी देसाई के पास मेरा एक संदेशा लेकर जाइए। उनसे कहिए कि अगर वो जयप्रकाश नारायण या इंदिरा गांधी, इन दोनों में से किसी एक के नाम पर सहमत हो जाएं, तो मैं अपनी दावेदारी छोड़ दूंगा। जब मुरारजी को यह बात मालूम पड़ी तो उन्होंने कुलदीप नैयर से छूटते ही कहा, जयप्रकाश नारायण वो तो संभ्रमित व्यक्ति हैं, और इंदिरा गांधी, दैट चिट ऑफ अ गर्ल। तभी मुरारजी के बेटे कांति देसाई ने नैयर से कहा, अपने शास्त्री जी से कहिए कि बैठ जाएं, मुरारजी देसाई को वो हरा नहीं पाएंगे। अगले ही रोज ये खबर अखबार में थी। पासा पलट गया। मुरारजी के ऐसे बर्ताव ने बाकी सारा काम कर दिया था। अधिकतर कांग्रेसी शास्त्री के पक्ष में थे और अब तो कुछ ज्यादा ही खुलकर थे। प्रधानमंत्री बनने के बहुत करीब आकर मुरारजी देसाई की हसरत अधूरी रह गई, लेकिन अभी दूसरा मौका बाकी था। 1.5 साल बाद फिर से मुरारजी देसाई पीएम पद की रेस में एक्टिव हो गए। दरअसल पाकिस्तान से जंग जीतने के बाद पीएम लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मौत हो गई। कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज को प्रधानमंत्री चुनना था। बड़ी चालाकी से उन्होंने राजनीति के खिलाड़ी मुरारजी को इस बार भी किनारे लगा दिया और इंदिरा को कुर्सी पर बैठाया। मुरारजी देसाई ने उप प्रधानमंत्री पद के साथ वित्त मंत्रालय स्वीकार कर लिया, लेकिन इंदिरा और मुरारजी दोनों जानते थे कि उनकी पटरी आपस में नहीं बैठेगी। 2 साल बाद इंदिरा ने मुरारजी से वित्त मंत्रालय वापस ले लिया। He behaved like deputy collector always, like a bureaucrat. He never behaved like a tactical politician. That was the cause of his defeat at the hands of इतनी बुरी तरह हारे वो इंदिरा गांधी, सब पता वो तो आपको। उनकी अकड़, उनकी जो अकड़ उनके अंदर इतनी ज्यादा थी कि वो बिल्कुल ही behaved like a deputy collector, always behaved like deputy collector. वित्त मंत्री पद से हटाए गए मुरारजी देसाई के सामने अब फैसला लेने की घड़ी थी। वो सरकार में उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन बिना पद के। आत्मसम्मान बचाने के लिए उन्होंने इस पद से भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन अगला झटका इंदिरा को लगना था। कांग्रेस से उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में बाहर निकाल दिया गया। इंदिरा ने अपने भरोसेमंद नेताओं के साथ अलग पार्टी बना ली। उन्हें भरोसा था कि अपनी लोकप्रियता के दम पर वो पुराने बूढ़े नेताओं की कांग्रेस को पछाड़ देंगी। 1971 के चुनाव ने इंदिरा के आकलन पर मुहर लगा दी। पाकिस्तान पर जीत से उपजी भावनाओं की लहर पर वो सवार होकर फिर से सत्ता में लौटी। मुरारजी देसाई को सांसद बनकर संतोष करना पड़ा, लेकिन उनके पास मौका फिर आया। गुजरात की चिमन भाई पटेल सरकार का तख्ता गिराकर मुरारजी ने जता दिया कि वो चुके नहीं है। इधर अदालत ने इंदिरा को 1971 के चुनाव में धांधली का दोषी करार दे दिया। इंदिरा के खिलाफ आदेश आया कि वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगी। जनता के असंतोष और अब चुनावी आदेश ने इंदिरा गांधी की जमीन हिला कर रख दी। उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी। जब वो जेल गए, जेल गया उनको तो बाकायदे गेस्ट हाउस में रखा गया था चंडीगढ़ में। उनको लोग नायक जयप्रकाश नारायण को, भाई बड़े नेता थे लोग, इंदिरा गांधी इतनी कम से कम शालीनता तो थी। तो जो नियम बताया गया कि आप बाहर निकलेंगे नहीं, बाहर घूमेंगे नहीं, कमरे में ही रहेंगे, तो सारे नियम उस गेस्ट हाउस में भी ये पालन करते रहे इमरजेंसी ने। और सबसे बड़ी बात जो इमरजेंसी में क्या, मुरारजी भाई जिनको हम लोग मानते थे कि पूंजीपतियों के आदमी है, इन्होंने कैबिनेट में फैसला करवा के किया जो भी कार्मिक कर्मचारी मजदूर जो भी आदमी जो इमरजेंसी में निकाला गया था उस सबको रीइंस्टेट किया जाए, नौकरी वापस दी जाए और उन सबको वेतन इमरजेंसी का 19 महीने का वेतन भी दिया जाए। मतलब मजदूरों के पक्ष में गवर्नमेंट का आदेश हो जिसमें मुझे भी लाभ हुआ कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से निकाल दिया गया था जेल जाने के बाद, मुझे सारा टाइम्स ऑफ इंडिया रीइंस्टेट किया, पूरी तनख्वाह दी मुरारजी के आदेश की वजह से। तो मैं तो खुद साक्षी हूँ इस बात का कि इमरजेंसी मुरारजी न केवल यातना सही बल्कि नियम के अनुसार वो काम भी करते रहे। 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई। इस ऐलान के साथ शुरू हुई 6ठे लोकसभा चुनाव की तैयारी। इंदिरा के खिलाफ सारा विपक्ष लामबंद था।
जनता पार्टी का गठन हुआ। चंद्रशेखर को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। चुनावी नतीजों ने कांग्रेस को किनारे बैठा दिया। जनता पार्टी की 295 सीटों के सामने कांग्रेस महज 154 सीटों पर सिमट गई। अब चर्चा शुरू हुई कि अलग अलग विचारधाराओं के टकराव से जूझते दल से प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम तीनों प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। काफी सोच विचार के बाद तय हुआ कि मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। आखिरकार उन्होंने पीएम पद की शपथ ली, लेकिन विरोधाभासों में फंसी पार्टी कब तक टिकती? 2 साल में बिखराव सबके सामने था। इंदिरा का विरोध करते आए चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के ही समर्थन से देश के 5वें प्रधानमंत्री बन बैठे। इसमें मोरारजी भाई की एक गलती अदूरदर्शिता थी, उनकी कम अकली थी, और एक उनकी बड़ी ईमानदारी थी। जैसे चरण सिंह और मोरारजी भाई एक दूसरे सहमत नहीं होते थे, लेकिन इस बात पर वो सहमत थे कि जगजीवन राम को कम से कम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी का प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा में इंदिरा गांधी ने अपने मंत्री जगजीवन राम द्वारा ही प्रस्तावित कराया था। तो चरण सिंह के अनुमोदन से मोरारजी भाई बने, लेकिन बाद में इनका दूरदर्शिता ये थी मोरारजी भाई को, वो इस्तीफा दे सकते थे, हट जाते सरकार के हित में, कम से कम इंदिरा गांधी को सत्ता में आने से रोकने के लिए उन्हें चरण सिंह का समर्थन करना चाहिए था। अब इतनी उन्हें दूरदर्शिता दे थी या आत्म केंद्रित थे तो चरण सिंह सरकार नहीं बनने थी, अंततः दोनों चले गए। मोरारजी 84 साल के हो चुके थे। राजनीति के चरम को छूने के बाद वो शांति से बैठे थे कि अचानक एक अमेरिकी पत्रकार ने आरोप लगाया कि वो CIA के एजेंट थे। इस खबर ने देश में सनसनी फैला दी। सत्ता से लेकर विपक्ष तक मोरारजी देसाई के साथ थे। उन्होंने भी अमेरिकी अदालत में मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। हालांकि मोरारजी केस हार गए। इस घटना ने उनके मन पर गहरा असर डाला। वो राजनीति से नमस्कार करके अलग हो गए। साल 1988 में 92 साल के मोरारजी को पाकिस्तान ने अपने सबसे प्रतिष्ठित सम्मान निशाने पाकिस्तान से नवाजा। 4 साल बाद भारत सरकार ने मोरारजी देसाई को भारत रत्न दिया। जब वो 99 साल के होने जा रहे थे तो उन्हें महात्मा गांधी शांति पुरस्कार और अहिंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और फिर 10 अप्रैल 1995 आया, जब 101 साल का लंबा जीवन जीकर मोरारजी देसाई इस दुनिया से कूच कर गए। मोरारजी देसाई का जीवन उतार चढ़ाव से भरा पूरा था। शराबबंदी का समर्थन वो किसी भी हद तक जाकर करते थे, वहीं अपना मूत्र पीने की वकालत भी उन्होंने जमकर की। बला के ईमानदार रहे, लेकिन उतने ही सख्त और अक्खड़ भी। आज उनके सम्मान में कई जगहों के नाम हैं। उनकी राजनीति का सम्मान उनके विरोधी तक करते हैं। वो संघ के करीबी भी बताए गए और गांधीवादी भी, लेकिन मोरारजी देसाई याद रहेंगे एक ऐसे नेता के तौर पर भी जिसने जिस पद पर बैठने का सपना देखा उसे पूरा करके माने। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। आप अपने पसंद के किसी शख्स पर यदि कुछ सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और प्रोडक्शन का काम किया है सूरज कुमार ने। साउंड मिक्सिंग की है अमृत रज्जी ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।